आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, और एक लाइट सा टॉपिक मैं आपके लिए रखता हूँ, एक टॉपिक थोड़ा सा जिसे कहिए आपकी एक जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक करने के लिए, और जरूरी भी है ये टॉपिक समझना, और आपके लिए थोड़ा सा एक चेंज होगा। तो हम आज उर्दू के नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उर्दू की गिनती के बारे में बात करेंगे। उर्दू की जो गिनती है उसकी खास बात यह है कि जैसे आपने सीखा है कि उर्दू राइट से लेफ्ट लिखने जाने वाली स्क्रिप्ट है, उर्दू की गिनती लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे हम हिंदी की गिनती लिखते हैं या जैसे हम अंग्रेजी की गिनती लिखते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि जब आपकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट है तो गिनती लेफ्ट टू राइट क्यों हो सक क्यों होगी? तो और थोड़ा अटपटा भी लगता है ना, जब आपको लिखना राइट से लेफ्ट है तो आपको नंबर जब बीच में डालना होगा तो उसके लिए आपको हाथ उठाना होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना होगा। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा न्यूमेरल सिस्टम है, जो प्रेजेंट नंबर का जो सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की देन है पूरे दुनिया को। हिंदुस्तान ने इन्वेंट किया, आर्यभट्ट ने इसे इन्वेंट किया, और इस सिस्टम को जब अरब के साथ हमारा ट्रेड होता था, तिजारत होती थी, या अरब के साथ जब वॉर हुए हैं, जंग छिड़ी, उस दौरान नंबर सिस्टम हमारे पास से निकलकर मिडिल ईस्ट में पहुंचा। मिडिल ईस्ट के बाद ये नंबर सिस्टम धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचा। सो हिंदुस्तान का जो नंबर सिस्टम था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 भी हमारा ही इन्वेंशन था, तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम हिंदुस्तान से अरब पहुंचा, अरब से उसके बाद यह वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी हिंदुस्तान का नंबर सिस्टम अरब के जरिए अपनाया, तो पूरी दुनिया में करीब करीब पूरे जो विश्व में हमारा नंबर सिस्टम प्रेवेलेंट हो गया। तो इसलिए जो गिनती हिंदुस्तान ने सिखाई थी अरब को, वह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट नहीं। इसलिए नंबर सिस्टम लेफ्ट टू राइट का बन गया, और इस वजह से नंबर सिस्टम आप जब गिनती लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको हिंदी की गिनती आती है तो सिर्फ फॉन्ट चेंज होंगे, सिर्फ नंबर का डिजाइन चेंज होगा, लेकिन गिनती का सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसे हिंदी में रहता है। तो अब हम उर्दू के नंबर्स सीख लेते हैं, बहुत आसान है। और एक बात इस बारे में ये भी बता देना चाहूंगा मैं कि जैसे आपको आदत है हिंदी जब आप लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आप अक्सर देखते हैं उसमें रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, इंग्लिश नंबर्स लिखे होते हैं, तो उर्दू में भी अक्सर लोग इंग्लिश के नंबर्स लिखते हैं। तो इंग्लिश का 1 2 3 4 आप लिखेंगे तो भी उर्दू वाले समझ लेते हैं, और उर्दू की किताबों में भी आपको इंग्लिश के नंबर्स दिखेंगे। लेकिन उर्दू की गिनती आना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग उर्दू की गिनती का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम उर्दू के नंबर्स सीखते हैं यहाँ से। फर्स्ट नंबर इज 1। 1 को लिखना तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, सिंपल, ये सीधी लाइन हो गई, ये 1 बन गया, तो आसानी से लिखा जाता है। 1 हिंदी का 1 और इंग्लिश का 1 और उर्दू का 1 करीब करीब एक समान आ जाता है। हिंदी में यहाँ पर एक राउंड होता है, तो अंग्रेजी के 1 या अंग्रेजी के एल, स्मॉल एल के समान उर्दू का 1 बन गया, या इवन अलिफ के भी करीब आ गया ये। दूसरा नंबर है 2 या 2, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। 2 लिखने के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, या मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, इस तरीके से आप 2 लिखेंगे, आसान है। और हिंदी के 2 से आपका आपको मिलता जुलता रूप यहाँ पे दिखाई देगा। आपको हिंदी का नंबर सिस्टम, अंग्रेजी का नंबर सिस्टम और अरबी का नंबर सिस्टम और उर्दू का नंबर सिस्टम, इसमें काफी हद तक आपको समानता नजर आएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये सबका ओरिजिन एक ही है, हिंदुस्तान से आगे बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैला है। तीसरा नंबर है हमारे पास में 3 या 3। आप देखेंगे 3 की बनावट हिंदी के 3 का इन्वर्टेड रूप है, कह लीजिए अंग्रेजी के 3 से भी मिलता जुलता है, तो इसे जब आप लिखना चाहेंगे तो आप इसे ऐसा लिखेंगे, ये 1, ये 2 और ये, इस तरीके से 3 लिखा जाता है। तो आपको बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस लेटर को जान लेंगे, नेक्स्ट इस नंबर को जान लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में नंबर 4। नंबर 4 या 4, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। 4 लिखने का तरीका मैं यहां पर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको इस तरीके से 4 लिखा जाता है,
आसान है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ डिजाइन बदल रहा है, बाकी सब स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। पांच तो एक दिल है, आप दिल, इस दिल को पहचान लीजिए, नंबर फाइव आपको याद रह जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से नंबर फाइव आप बना सकते हैं, नंबर पांच आप बना सकते हैं। नंबर सिक्स या छह लिखने के लिए हमें इस तरीके से लिखना होगा। आपने देखा होगा कि दो हमने जो लिखा था, ये दो है और ये छह है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आपको दो लिखना आ गया तो उसका मिरर इमेज बनाकर आप छह लिख सकते हैं। नंबर सात इस तरीके से लिखा जाता है, जो हमारे लेस देन का जो साइन होता है आपके कंप्यूटर में या मैथमेटिक्स में आप जो यूज करते हैं, उसी को नंबर सात। यहां पर भी आप दोनों में सिमिलैरिटी देख सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं शक्ल एक दूसरे की, तो एक तरीके से मिरर इमेज ही दिखाई दे रहा है एक दूसरे का। नंबर एट जो है, नंबर आठ जो है, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये नंबर आठ हो गया। और नंबर नाइन या नंबर नौ बहुत आसान है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिल जाता है, सीधी लाइन बनती है, तो नंबर नाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नंबर नाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड नंबर नाइन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दोनों से हमारा काफी हद तक, हिंदी का नौ थोड़ा अलग होता है, तो अंग्रेजी के नौ से मिल जाता है। अब दस, जैसा मैंने आपको बताया कि उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन उर्दू का नंबर सिस्टम लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो नंबर दस इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पर आप नोट करेंगे, दस हम ऐसा लिख रहे हैं, ये वन लिखा और ये जीरो है, डॉट, सिर्फ डॉट या नुक्ता या पॉइंट जो डालेगा ये जीरो है। सो आपको दस लिखना है तो आपने सीधी लाइन डाली और उसके आगे ये डॉट डाल दिया। सौ लिखना है तो इस तरीके से हो गया। तो जो जीरो के लिए हम ये जीरो इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं, इतना आपको ख्याल रखना है। जैसा मैंने कहा सिमिलर है, मिलता जुलता है, आपको हिंदी का नंबर एक बार समझ लेंगे या अंग्रेजी का नंबर समझ लेंगे तो उर्दू के नंबर समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो अब हम 100 लिखना चाहेंगे, 100 लिखना चाहेंगे, तो आपको समझ में आ गया 100 कैसा लिखना है। ये मैं इसलिए दोहरा दिया मैंने कि आपको याद रहे कि उर्दू का नंबर सिस्टम लेफ्ट टू राइट ही लेके चलना है हमें। और हजार लिखना है तो इस तरीके से लिखेगा। सो सेम पैटर्न है, वही तरीका है, जो हिंदी में है और अंग्रेजी में है वही उर्दू में है। नंबर 1 to 10 आप प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए और आपको उर्दू की गिनती आ गई, बहुत आसान है। इस सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने एक ब्रेक का सेशन आपको दिया था कि इसको आप अलग से कर सकेंगे। कल के सेशन में या इसके बाद आने वाले सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, हम जहां पिछले सेशन में छोड़ आए थे उससे आगे बढ़ेंगे, यानी रे डे जे जे की बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पुराने सेशंस को दोहराते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए।